हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से विश्वकर्मा पूजा का पोस्टर बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि आप भी इस तरह से पोस्टर बना सकें अपनी मोबाइल फ़ोन से। इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैं बैकग्राउंड और TNG मटेरियल यूज करूंगा सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिना पासवर्ड के। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी इस तरह से पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और पोस्टर को क्रिएट करते हैं। हम आ गए हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हमें न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना होगा, तो यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, फॉर्म गैलरी पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में बैकग्राउंड को रखें वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा फोल्डर, अब ये रहा बैकग्राउंड। दोस्तों यहाँ से हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, सही के आइकन पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इस बैकग्राउंड को हम पहले से कुछ एडजस्ट किए हैं ताकि आपको पोस्टर बनाने में दिक्कत ना हो। इसमें केवल ही केवल क्या करना है, आपको एक फ़ोटो PNG लगा देना है, इंट्रो बैनर लगा देना है और फोटो बन के रेडी हो जाएगा और आप भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना फ़ोटो PNG लगा देते हैं और इंट्रो बैनर लगा देते हैं। तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम फोटो PNG को सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, एल्बम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो PNG को सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा फ़ोटो PNG, और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, इस फोल्डर में हम फोटो PNG रखें, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सही के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो PNG यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। इसे हम टैप करके इसे छोटा करेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों अपना इंट्रो बैनर लगाएंगे, तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी पर चले जाएंगे और अपना इंट्रो बैनर को सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, ये रहा इंट्रो बैनर, हम यहाँ से इंट्रो बैनर को सेलेक्ट करेंगे, इस पर टैप करेंगे और इसे हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और इसे हम फुल साइज़ कर लेंगे, देख सकते हैं। इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे हम लगा देंगे, सही के आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे की साइड में इसे लगा देंगे, देख सकते हैं। और इस तरीके से हम नीचे की साइड में लगा देंगे और नीचे की साइड में लगाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम अपने YouTube चैनल का लोगो को लगाएंगे। दोस्तों तो हम अपने YouTube चैनल के लोगो को लगाने के लिए प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म गैलरी पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इसी तरीके से एल्बम पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम अपने यूट्यूब चैनल के लोगो को सेलेक्ट करेंगे, ये रहा, और हम सही के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस पर टैप करेंगे और इसे इस तरीके से छोटा कर देंगे दोस्तों, और इस कॉर्नर पर सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इसे आप अपने गैलरी में सेव कैसे करेंगे इस फोटो को। तो इस फोटो को सेव करने के लिए यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे, ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटे पर क्लिक करें, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।